गुड मॉर्निंग भैया बहनों, आज हम पार्ट 6 भगवान के डाकिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ तक के क्वेश्चन अपन ने पिछले वाले वीडियो में कर लिए थे। अब प्रश्न नंबर 5 है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध पक्षियों के माध्यम से भेजती है, इस पंक्ति का भाव यह है कि जब पहाड़ अपनी भूमि पर उगने वाले पेड़ पौधों को फूलों की सुगंध को पानी को बादलों के रूप में भेजते हुए भी भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि समान भाव से अपना प्रेम सभी को लुटाते हैं। इसी प्रकार हम मनुष्यों को भी इस भावना से प्रेरित होकर आपस में प्रेम से, सद्भाव से रहना चाहिए। एक बार आप देख लो, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। हमने इसे भगवान के डाकिए वाले पाठ में पढ़ा था
कि एक देश की धरती दूसरे देश में, इसमें दो माध्यम बताए हैं, एक तो डाकिये को और एक पक्षियों को। तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध पक्षियों के माध्यम से भेजती है। इस पंक्ति का भाव यह है कि जब पहाड़ अपनी भूमि पर उगने वाले पेड़ पौधों को, फूलों की सुगंध को, पानी को बादलों के रूप में भेजते हुए भी भेदभाव नहीं करते, बल्कि समान भाव से अपना प्रेम सभी को लुटाते हैं। इस प्रकार हम मनुष्यों को भी इस भावना से प्रेरित होकर आपस में प्रेम से, सद्भाव से रहना चाहिए। इसका ये आंसर कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 6 है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पानी का एक बड़ा साधन इंटरनेट है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए वे 10 पंक्तियाँ लिखिए। देखिए क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, आज विश्व में कहीं भी संवाद यानी एक दूसरे को भेजने का माध्यम, भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना हो गया है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां हमें लिखनी है। इसका आंसर है, इसको मिटा देती हूँ मैं, उत्तर है इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की बात पहुंचाने का सरल व तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्तिगत विचारों को जान सकते हैं।
किंतु पक्षी और बादलों की चिट्ठियों का संदेश चिट्ठियाँ हमें भगवान का संदेश देती हैं। पक्षी और बादल की भूमिका पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर रखती है, किंतु इंटरनेट पर्यावरण को स्वच्छता प्रदान नहीं करती है, पक्षी और बादल का कार्य प्रकृति प्रेम को प्रभावित करता है। किंतु इंटरनेट विज्ञान के क्षेत्र को प्रभावित करती है। देखिए इसका एक बार, इंटरनेट पे अपन ने, इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की बात पहुंचाने का सरल और तेज माध्यम है। यानी कि हम जानते हैं इंटरनेट के द्वारा हम अपनी बात को जल्दी से और आसान तरीके से पहुंचा देते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्तिगत विचारों को जान सकते हैं, यानी अपने खुद के जो पर्सनल विचार हो सकते हैं किसी के भी, तो अपन जान सकते हैं। किंतु पक्षी और बादलों की चिट्ठी हमें भगवान का संदेश देती है। पक्षी और बादल की भूमिका पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर रखती है, किंतु इंटरनेट पर्यावरण को स्वच्छता प्रदान नहीं करता है। पक्षी और बादल का कार्य प्रकृति प्रेम को प्रभावित करता है, यानी पक्षी और बादल का कार्य प्रकृति को प्रभावित करता है, किंतु इंटरनेट के विज्ञान के क्षेत्र को प्रभावित करता है। ये इसका पूरा आंसर हो गया है। अपन ने इसके जो फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन का आंसर कर लिया। इसके बाद के जो हैं वो कल वाली वीडियो में मैं आपको करवा दूँगी। आप इसे लिखें और फिर आगे वाला लेसन अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।